पिक्चर में ये भी कहूँगा, आई थिंक हमने इस पिक्चर की शूटिंग के लिए सबसे बड़ा एक प्लेन का सेट बनाया था, जिसके 3 अलग अलग भाग थे। कॉकपिट भी हमने रेप्लिकेट किया रियल लाइफ में, बिकॉज वहाँ पे भी बहुत जरूरत थी शूटिंग की। उसका लोअर हाफ भी हमने रेप्लिकेट किया। तो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेन सेट्स एनी हिंदी फिल्म इज मेड इज बीन मेड टू शूट योद्धा। और अगर आप सीक्वेंस की बात करते हैं, वो हमें बनाने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि इसमें एक जो अगेन एक बहुत ही खूबसूरत सीक्वेंस है कि अगर मतलब खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो, बट अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो कि अगर पैसेंजर प्लेन अगर हाईजैक सिचुएशन में हो, तो कैसे वो मनूवर कर सकता है आपने अपने आप को 180 नहीं बट 360 डिग्रीज, और उसके बीच में आपको क्या एक्सपीरियंस होगा। तो उसके लिए हमने एक बहुत ही बड़ा सा सेट बनाया। हमारे इंजीनियर्स आए थे, हमारे आर्ट डायरेक्टर्स आए थे, उसके बीच में मुझे एक्शन करना पड़ा अगेन। तो यू नो ज़मीन आसमान है, आसमान ज़मीन है, उल्टा मुझे चल रहा है। बट आई थिंक इट मेड फॉर अ वेरी कूल सीक्वेंस। आई थिंक सबसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस है, जो कि आजकल लोगों को चाहिए कि बड़े पर्दे पर अगर आए सिनेमा घरों में, तो वो चाहते हैं कि वो आके कुछ अलग देखें, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट देखें जहाँ पे उनको लगे यार कि वाह एंटरटेनिंग भी है और पैसा वसूल भी है। रियल लाइफ टर्बुलेंस का कोई किस्सा है? रियल लाइफ टर्बुलेंस मुझे फ्लाइंग में कोई ऐसा खौफ या डर नहीं है। मैं आराम से सो सकता हूँ फ्लाइट में, रिलैक्स कर सकता हूँ, मैं मूवीज देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। तो मुझे अगर टर्बुलेंस फील भी हुई होगी तो मैं उस हद तक घबराया नहीं वहाँ पे कि यार मुझे कभी याद हो। इस पिक्चर में ये भी कहूँगा, आई थिंक हमने इस पिक्चर की शूटिंग के लिए सबसे बड़ा एक प्लेन का सेट बनाया था, जिसके 3 अलग अलग भाग थे। कॉकपिट भी हमने रेप्लिकेट किया रियल लाइफ में, बिकॉज वहाँ पे भी बहुत जरूरत थी शूटिंग की। उसका लोअर हाफ भी हमने रेप्लिकेट किया। तो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेन सेट्स एनी हिंदी फिल्म इज मेड इज बीन मेड टू शूट योद्धा। और अगर आप सीक्वेंस की बात करते हैं, वो हमें बनाने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि इसमें एक जो अगेन एक बहुत ही खूबसूरत सीक्वेंस है कि अगर मतलब खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो, बट अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो कि अगर पैसेंजर प्लेन अगर हाईजैक सिचुएशन में हो, तो कैसे वो मनूवर कर सकता है आपने अपने आप को 180 नहीं बट 360 डिग्रीज, और उसके बीच में आपको क्या एक्सपीरियंस होगा। तो उसके लिए हमने एक बहुत ही बड़ा सा सेट बनाया। हमारे इंजीनियर्स आए थे, हमारे आर्ट डायरेक्टर्स आए थे, उसके बीच में मुझे एक्शन करना पड़ा अगेन। तो यू नो ज़मीन आसमान है, आसमान ज़मीन है, उल्टा मुझे चल रहा है। बट आई थिंक इट मेड फॉर अ वेरी कूल सीक्वेंस। आई थिंक सबसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस है, जो कि आजकल लोगों को चाहिए कि बड़े पर्दे पर अगर आए सिनेमा घरों में, तो वो चाहते हैं कि वो आके कुछ अलग देखें, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट देखें जहाँ पे उनको लगे यार कि वाह एंटरटेनिंग भी है और पैसा वसूल भी है। रियल लाइफ टर्बुलेंस का कोई किस्सा है? रियल लाइफ टर्बुलेंस मुझे फ्लाइंग में कोई ऐसा खौफ या डर नहीं है। मैं आराम से सो सकता हूँ फ्लाइट में, रिलैक्स कर सकता हूँ, मैं मूवीज़ देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। तो मुझे अगर टर्बुलेंस फील भी हुई होगी तो मैं उस हद तक घबराया नहीं वहाँ पे कि यार मुझे कभी याद हो। इस पिक्चर में ये भी कहूँगा, आई थिंक हमने इस पिक्चर की शूटिंग के लिए सबसे बड़ा एक प्लेन का सेट बनाया था, जिसके 3 अलग अलग भाग थे। कॉकपिट भी हमने रेप्लिकेट किया रियल लाइफ में, बिकॉज वहाँ पे भी बहुत जरूरत थी शूटिंग की। उसका लोअर हाफ भी हमने रेप्लिकेट किया। तो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेन सेट्स एनी हिंदी फिल्म इज मेड इज बीन मेड टू शूट योद्धा। और अगर आप सीक्वेंस की बात करते हैं, वो हमें बनाने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि इसमें एक जो अगेन एक बहुत ही खूबसूरत सीक्वेंस है कि अगर मतलब खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो, बट अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो कि अगर पैसेंजर प्लेन अगर हाईजैक सिचुएशन में हो, तो कैसे वो मनूवर कर सकता है आपने अपने आप को 180 नहीं बट 360 डिग्रीज, और उसके बीच में आपको क्या एक्सपीरियंस होगा। तो उसके लिए हमने एक बहुत ही बड़ा सा सेट बनाया। हमारे इंजीनियर्स आए थे, हमारे आर्ट डायरेक्टर्स आए थे, उसके बीच में मुझे एक्शन करना पड़ा अगेन। तो यू नो ज़मीन आसमान है, आसमान ज़मीन है, उल्टा मुझे चल रहा है। बट आई थिंक इट मेड फॉर अ वेरी कूल सीक्वेंस। आई थिंक सबसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस है, जो कि आजकल लोगों को चाहिए कि बड़े पर्दे पर अगर आए सिनेमा घरों में, तो वो चाहते हैं कि वो आके कुछ अलग देखें, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट देखें जहाँ पे उनको लगे यार कि वाह एंटरटेनिंग भी है और पैसा वसूल भी है। रियल लाइफ टर्बुलेंस का कोई किस्सा है? रियल लाइफ टर्बुलेंस मुझे फ्लाइंग में कोई ऐसा खौफ या डर नहीं है। मैं आराम से सो सकता हूँ फ्लाइट में, रिलैक्स कर सकता हूँ, मैं मूवीज़ देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। तो मुझे अगर टर्बुलेंस फील भी हुई होगी तो मैं उस हद तक घबराया नहीं वहाँ पे कि यार मुझे कभी याद हो।